हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चेन्नई सिटी के टॉप 10 कॉमर्स कॉलेजेस के बारे में। कॉमर्स फील्ड की स्कोप की बात करें तो आप इंश्योरेंस, कैपिटल मार्केट, अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, एक्चुरी, बैंकिंग, इन सभी फील्ड में आप अपना कैरियर बना सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम बताना चाहेंगे आपको एक ऐप के बारे में जिसका नाम है क्रियो। ये ऐप इंडिया की पहली मैनेज्ड होम ट्यूशन ऐप है जो आपको घर बैठे एक होम ट्यूटर बुक करने की सुविधा प्रदान करता है। अगर आपका बच्चा या फिर आप एक होम ट्यूटर ढूंढ रहे हैं तो आप इस ऐप के थ्रू घर बैठे एक होम ट्यूटर बुलवा सकते हैं, वो भी कुछ मिनटों में। और अगर आप एक ट्यूटर हैं और अपने शहर में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी तलाश रहे हैं, आप क्रियो गुरु ऐप डाउनलोड करके क्रियो से जुड़ सकते हैं और आप अपने करियर की एक नई शुरुआत कर सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं कॉलेज नंबर 10th की, पेट्रिशियन कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस। ये कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से अफिलेटेड है। एस्टैब्लिश 2001 में हुआ था। हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ प्रोवाइड की जाती है और डिस्टेंस फ्रॉम सिटी सेंटर है 13 किलोमीटर्स। अब बात करते हैं इस कॉलेज के फ़ायदों की, तो पहला आता है यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि काफ़ी अच्छा है। दूसरा, यहाँ की फैकल्टी काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है। तीसरा, यहाँ पर डिसिप्लिन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाता है। कॉन्स की बात करें तो पहला आता है यहाँ का मैनेजमेंट जो कि हेल्पफुल नहीं है। दूसरा, यहाँ का स्टाफ सपोर्टिव नहीं है। अब बात करते हैं कॉलेज नंबर 9th की, हिंदुस्तान कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस। ये कॉलेज भी यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से अफिलेटेड है। एस्टैब्लिश 1995 में हुआ था। हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ प्रोवाइड की जाती है और सिटी सेंटर से डिस्टेंस है 36 किलोमीटर्स। सबसे पहले बात करते हैं इस कॉलेज के फ़ायदों की, तो पहला आता है कि यहाँ पर एक्स्ट्रा करिकुलर और स्पोर्ट्स फैसिलिटी पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। दूसरा है यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि काफ़ी अच्छा है। नुकसान की बात करें तो पहला आता है यहाँ पर प्लेसमेंट रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है। दूसरा, यहाँ की फैकल्टी इतनी सपोर्टिव नहीं है। बात करते हैं कॉलेज नंबर 8th की, जस्टिस बशीर अहमद सैयद कॉलेज। ये कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से अफिलेटेड है। एस्टैब्लिश 1955 में हुआ था। हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ प्रोवाइड नहीं की जाती और सिटी सेंटर से डिस्टेंस है 7.5 किलोमीटर्स। यहाँ के प्रोस की बात करें तो पहला आता है यहाँ की फैकल्टी जो कि काफ़ी अच्छी बताई जाती है। दूसरा, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। तीसरा, यहाँ की लाइब्रेरी वेल इक्विप्ड है। कॉन्स की बात करें तो पहला आता है कि यहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाती और यहाँ पर को करिकुलर एक्टिविटीज़ पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं किया जाता। अब बात करते हैं कॉलेज नंबर 7th की, श्री शंकर लाल सुंदरबाई सहसुन जैन कॉलेज। ये कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से अफिलेटेड है। हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ प्रोवाइड की जाती है। डिस्टेंस फ्रॉम सिटी सेंटर है 5 किलोमीटर। ये कॉलेज 2004 में इस्टेब्लिश हुआ था। अब बात करते हैं इस कॉलेज के फ़ायदों की, तो पहला आता है कि यहाँ के टीचर्स हाईली एजुकेटेड और वेल क्वालिफाइड हैं। दूसरा है, यहाँ पर स्मार्ट क्लासरूम्स हैं। तीसरा, यहाँ का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स काफ़ी अच्छा बताया जाता है। नुकसान की बात करें तो पहला आता है यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि एवरेज है। दूसरा है, यहाँ का प्लेसमेंट रिकॉर्ड जो इतना अच्छा नहीं बताया जाता। बात करते हैं कॉलेज नंबर 6th की, गुरु नानक कॉलेज। ये कॉलेज भी यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से अफिलेटेड है। एस्टैब्लिश 1971 में हुआ था। हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ प्रोवाइड की जाती है और डिस्टेंस फ्रॉम सिटी सेंटर है 15 किलोमीटर्स। अब बात करेंगे सबसे पहले यहाँ के फ़ायदों की, तो पहला आता है कि यहाँ पर प्लेसमेंट के लिए काफ़ी अच्छी कंपनीज आती हैं। दूसरा, यहाँ स्पोर्ट्स और को करिकुलर एक्टिविटीज़ पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाता है। तीसरा, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छा है। चौथा, यहाँ की फैकल्टी वेल क्वालिफाइड है। अब बात करेंगे नुकसान की, तो पहला आता है कि यहाँ पर लाइब्रेरी फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं है। दूसरा, यहाँ का वाईफाई यानी कि इंटरनेट फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं है। अब बात करते हैं कॉलेज नंबर 5th की, एथिराज कॉलेज फॉर वेमेन। ये कॉलेज भी यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से अफिलेटेड है। एस्टैब्लिश 1948 में हुआ था। हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ प्रोवाइड की जाती है और सिटी सेंटर से डिस्टेंस है 3 किलोमीटर्स। फ़ायदों की बात करें तो पहला आता है गुड प्लेसमेंट यानी कि प्लेसमेंट रिकॉर्ड यहाँ का काफ़ी अच्छा है। दूसरा है, यहाँ पर वेल इक्विप्ड क्लासरूम्स हैं। तीसरा, यहाँ के जो हॉस्टल्स हैं वो कॉलेज के कैंपस में ही हैं जो कि स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी कन्वीनियंट बना देते हैं अपने कम्यूट को। बात करें नुकसान की, तो पहला आता है कि यहाँ पर फैकल्टी इतनी सपोर्टिव नहीं है। दूसरा, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना अच्छा नहीं है। बात करते हैं कॉलेज नंबर 4th की, वेमेंस क्रिश्चियन कॉलेज। ये कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से अफिलेटेड है। एस्टैब्लिश 1915 में हुआ था। हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ प्रोवाइड की जाती है
और सिटी सेंटर से डिस्टेंस है 4 किलोमीटर्स। इस कॉलेज के फायदों की सबसे पहले बात करें तो पहला आता है यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि काफी अच्छा है, दूसरा यहाँ की लाइब्रेरी फैसिलिटी, तीसरा है यहाँ की लोकेशन जो कि इजीली एक्सेसिबल है। अब बात करेंगे नुकसान की तो पहला आता है यहाँ का प्लेसमेंट सेल जो कि इनएक्टिव है, दूसरा यहाँ की फैकल्टी इतनी अच्छी नहीं बताई जाती, तीसरा और सबसे बड़ा नुकसान है यहाँ का टीचिंग मेथड जो कि काफी पुराना और आउटडेटेड बताया जाता है। बात करते हैं कॉलेज नंबर 3 की, स्टेला मैरिस कॉलेज। ये कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से अफिलेटेड है, एस्टैब्लिश 1947 में हुआ था। हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ प्रोवाइड की जाती है और सिटी सेंटर से डिस्टेंस है 6 किलोमीटर्स। फायदों की बात करें तो पहला आता है यहाँ का वेल बिल्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा यहाँ पर हाईली डिसिप्लिन डेकोरम मेंटेन किया जाता है, तीसरा है यहाँ का ओपन एयर थिएटर। अब बढ़ते हैं नुकसान की तरफ तो पहला आता है कि यहाँ का प्लेसमेंट सेल एक्टिव नहीं है, दूसरा यहाँ का अनहाइजीनिक एनवायरमेंट। बात करते हैं कॉलेज नंबर 2 की, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज। ये कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से अफिलेटेड है, एस्टैब्लिश 1837 में हुआ था। हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ प्रोवाइड की जाती है और सिटी सेंटर से डिस्टेंस है 20 किलोमीटर्स। फायदों की बात करते हैं सबसे पहले तो पहला आता है यहाँ की फैकल्टी जो कि काफ़ी अच्छी है, दूसरा यहाँ का लश ग्रीन कैंपस जो कि 365 एकड़ के एरिया में लोकेटेड है, तीसरा और सबसे बड़ा फायदा है यहाँ का इको फ्रेंडली कैंपस। अब बात करते हैं नुकसान की तो पहला आता है यहाँ का प्लेसमेंट रिकॉर्ड जो कि इतना अच्छा नहीं है, दूसरा यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना है। बात करते हैं कॉलेज नंबर 1 की, लोयोला कॉलेज। ये कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से अफिलेटेड है, एस्टैब्लिश 1925 में हुआ था। हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ प्रोवाइड की जाती है और डिस्टेंस फ्रॉम सिटी सेंटर है 5.6 किलोमीटर्स। अब बात करते हैं यहाँ के फायदों की तो पहला है यहाँ पर स्मार्ट क्लासरूम्स द्वारा पढ़ाया जाता है, दूसरा यहाँ पर स्कॉलरशिप अवेलेबल करवाई जाती है मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए, तीसरा है यहाँ की वाईफाई फैसिलिटी थ्रू आउट द कैंपस, और चौथा सबसे बड़ा फायदा है यहाँ का प्लेसमेंट रिकॉर्ड। नुकसान की बात करते हैं तो पहला आता है यहाँ पर लैब्स अच्छी कंडीशन में नहीं है, दूसरा है यहाँ का पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी सिटी के भी कॉलेजेस कवर करें तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।